अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर के बाद आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की 12वीं कुरानदाज़ी की तकरीब शुरू होने वाली है और बहुत बड़ा क्राउड एक्सपेक्टेड है। बड़े ज़बरदस्त टीम है, सारे लोग बड़े पुरजोश हैं और हम साथ साथ इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। अभी हम आपको हॉल में चल के दिखाते हैं कि किस तरह के इंतजाम हुए हैं। ज़बरदस्त म्यूज़िक का इंतज़ाम है, उसके बाद आर्टिस्ट आएँगे जो कि बहुत मज़ाया फनकार पाकिस्तानी। और आपको पता है फैसलाबाद का क्राउड किस तरह का होता है, पुरजोश। तो ये इस वक्त हमारे सामने साउंड बैलेंस किया जा रहा है और सारे जो चेक्स हैं वो हो रहे हैं, साउंड चेक हो रहा है, साथ में जो मीडिया प्ले होगा वो चेक हो रहा है। तो अभी लोग आना शुरू होंगे तो साथ साथ हम अपना इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हम आपको मज़े मज़े लोगों से मिलवाएँगे और जो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की टीम ऑन ग्राउंड यहाँ पे मार्केटिंग के लोग हैं उनसे मिलवाएंगे और सारी मैनेजमेंट के साथ आपकी बात कराएंगे। तो इस वक्त शफाकत साहब खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या है? ठीक ठाक। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये यहाँ पे भी इंतज़ाम किया, जैसे लाहौर, सियालकोट और फिर गुजरांवाला के बाद। जी माशाल्लाह, फैसलाबाद में हर दफ़े हमारा बढ़ चढ़ कर इंतज़ाम होता है और अभी जो 12वीं कुरानदाज़ी का हम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछले ड्राफ्ट से भी ज़्यादा बेहतर हो और नामाद भी उसमें ज़्यादा हों। और फैसलाबाद के अवाम के लिए हम एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी का राज है कि हम हर दफ़ा नई से नई जिद्द के साथ आते हैं फैसलाबाद में। और आज भी इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत उम्मीद है कि अपने प्रोग्राम को कामयाब कराएँगे। फैसलाबाद के जो जोन के इंचार्ज हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देख रहे हैं, जो साहब आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया ही कह रही है फ़ायज़ा फ़ायज़ा फ़ायज़ा। बस एक तरह की सेल है, मतलब जिधर हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलता है कि इधर फ़ायज़ा का नाम ही चल रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो क्रीम लॉन्च हुई है हेयर रिमूविंग क्रीम, उसकी क्या फीडबैक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने इंटरनेशनल स्टाइल से हमने लॉन्च किया, कंपनी ने भी बहुत अच्छा ब्रांड बनाया इसको, मतलब हमने भी लाइक किया क्योंकि मार्केट को देखते हुए इन्होंने बनाया ब्रांड और मार्केट ने इसको बड़ा लाइक किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पजीराई मिली है, अच्छी सेलें मिली हैं। फ़ायज़ा नंबर वन। हम मालकान से भी खुश हैं, सीनियर से भी खुश हैं, ब्रांड के हवाले से भी खुश हैं। माशाल्लाह एफर्ट कर रहे हैं, रिवार्ड भी मिल रहा है। इसके अलावा माशाल्लाह ब्रांड के हवाले से कोई कंप्लेन भी नहीं है, मार्केट के हवाले से भी हर लिहाज से हम खुश हैं। माशाल्लाह इसकी सेल अच्छी है, स्टॉक नहीं पूरा होता, मालक और टीम जो है वो वर्करों की तरह या अपने भाइयों की तरह रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। सीलिंग ब्रांड है इस वक्त सबसे अच्छा, इवेंट का सेहरा इन्हीं के सर आता है और कोई देखे ना देखे फ़ायज़ा का इवेंट देखना ज़रूरी समझते हैं। और कुछ देखे ना देखे फ़ायज़ा का इवेंट देखना ज़रूरी समझते हैं, मेरा अपना भी यही ख्याल है क्योंकि सुपर हिट इवेंट होता है। पाकिस्तान का ब्रांड ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का ब्रांड है, इनके अच्छा। लिए एक शेर है, ज़रूर ज़रूर। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब खवातीन ये खरीद जाती, ज़्यादातर खवातीन ही कस्टमर होती हैं, तो वो क्या बाई नेम लेती हैं कि मुझे यही क्रीम चाहिए या कोई भी क्रीम? वो ज़्यादातर इसका नाम लेकर पुकार देंगे, 22 31 90 जो क्रीम है ना फ़ायज़ा की हमें वो चाहिए। एक इसमें है ना 24 23 21, उसकी कोई डिमांड नहीं रही, क्यों? उसका रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट इसी का ही है, जो मर्जी चलाए जो मर्जी ले जाए। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इससे, अल्लाह का शुक्र है। बेशुमार कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ लेकिन ये फ़ायज़ा पूनिया ब्रदर्स सबसे डिफरेंट है, उनका काम करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, ठीक है। इनके मार्केट के प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, फीडबैक इनका बहुत अच्छा आ रहा है, कंज्यूमर बड़ा बहुत लाइक करता है क्रीम को, प्रोडक्टिंग की बहुत अच्छी है, जितने ब्रांड उन्होंने बनाया अभी तक सारे माशाल्लाह फेमस हैं, सारे अच्छे हैं और इनका जो प्रोमिस हैं वो पूरे करते हैं। आम कंपनियाँ जो ऐसे मार्केट में आ रही कंपनियाँ वो बेशुमार प्रॉमिस करती हैं लेकिन पूरा नहीं करती, जो इनामात दिए जाते हैं वो वक्त पे दिए जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हेलो बेबी डायपर जो है वो भी पूनिया ब्रदर्स की एक प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में क्या फीडबैक है? जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अभी चूँकि ये अभी हाल ही में 3 साल पहले लॉन्च हुआ है और माशाल्लाह का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इसमें रैशेज़ प्रॉब्लम भी नहीं है
और अभी नई जिद्दत आई है मैजिक टेप में दिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे और इसने कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड को तकरीबन पीछे छोड़ जाना है। और वैसे भी ये मार्केट अगर उसका फीडबैक देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है और जो पूनिया ब्रदर्स का वादा है कि हम क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं और इस पर पूरा है वो। लास्ट टाइम मुझे इन्होंने उम्रे की सादत फायज़ा की तरफ से नसीब हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। ये जो चेहरे पे सुन्नत है ये क्रेडिट सारा इनको जाता है। इन्होंने जो है नवाजा इस चीज़ से मुझे खुशी है। वो लम्हात बार बार अल्लाह हर मुसलमान को दिखाए। एक वादा होता है ना एक चीज़ का और एंड तक जहाँ से हमें लिया वहाँ इन्होंने पूरा वादा हर चीज़ का। बड़ी ज़बरदस्त बात। यानी आप कह रहे हैं कि जहाँ से पिक किया वहाँ वापसी भी? बिल्कुल 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 हर चीज़ एक्यूरेट तरीके से उन्होंने पूरी की है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रांड है। जिसको भी दिया है कभी भी कंप्लेन नहीं आई क्योंकि मेरा ना काउंटर भी है डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है ना, काउंटर पे अगर किसी कस्टमर को डिस्टर्बेंस हो रही हो ना किसी हवाले से भी तो हम उसे फ़ायदा उठा के दे दें तो वो कहता भी हम मैं ठीक हूँ मैं मुतमिन हूँ इससे। कभी वापस कस्टमर ने आके ये नहीं किया कि ये फ़ायदा दी थी या हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है ना जी, हमने इसको वापस देना है क्योंकि हम मनी बैक गारंटी के साथ भी देते हैं। जिस कस्टमर को कोई भी नहीं आ रही होती ना, कई बार होता है कस्टमर कोई क्रीमें मुख्तलिफ यूज़ करते हैं उनसे ना दाने निकल आते हैं चेहरों पे, रेडिएशन हो जाती है। ठीक है ना, एलर्जी हो जाती है। सेंसिटिव कस्टमर को भी दी है ना, उसने वापस आके ये नहीं कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम। जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रेगुलर कूपन है उसमें क्या क्या प्राइस मौजूद हैं। इसमें एक अदद उम्रा पैकेज है जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है, 2 उम्रा टिकट जिनकी मालियत 50,000 रुपए है, 10 अदद मोटरसाइकिल हैं जिनकी मालियत 35,000 रुपए है, 5 फ्रिज हैं जिनकी मालियत 15,000 रुपये है, 8 अदद फायज़ा गोल्ड क्वाइन है 7,000 रुपए के, 10 इसमें LCD हैं जिनकी मालियत 4,000 रुपए है, 50 फूड फैक्ट्रीज़ हैं 1,000 रुपए वाली, 30 ड्रायर मशीनें हैं 15,000 रुपए वाली, 25 मोबाइल हैं जिनकी कीमत 2,000 रुपए है और 100 हॉटपॉट हैं जिनकी मालियत 750 रुपए है। इसके अलावा गोल्डन कूपन प्राइस जो है उसमें शामिल है 1 दुबई का टिकट जिसकी मालियत 50,000 रुपए है, 3 मोटरसाइकिलें जिनकी मालियत 35,000 रुपए है, 5 कुकिंग रेंज है 10,000 रुपये वाले और कैश प्राइस है 5,000 रुपये। 10 प्राइजेज हैं ये, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर जोश व खरोश से इसलिए भी आ रहे हैं कि बेशुमार इनामात हैं और हर आदमी को कोई ना कोई इनाम तो ज़रूर ही मिलता है। हमारे एक दोस्त जो सऊदीया में मुकीम रहे और अब पाकिस्तान में हैं, इनसे पूछते हैं कि इस क्रीम के बारे में सऊदीया के जो लोग हैं वहाँ के जो कंज्यूमर हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। वहाँ के लोग ये जो करीमे हैं जो अच्छी होती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। तकरीबन फ़ायदा उस करीमों से है जो वाइटिंग के लिए, वहाँ के लोग वाइटिंग ये चीज़ें शुरू नहीं हुई थी, ये अभी फ़ायदा जो वहाँ गई है अच्छी चीज़ गई है। अच्छा ये बताइएगा कि इस क्रीम का क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, बहुत आला किस्म की है, बाकी जो ब्रांड है उनसे बहुत अलग और बहुत अच्छी है। ये नहीं कि मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ, वाकई इसकी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा ये अपनी वाइफ ने भी यूज़ की हुई है। अच्छा तो उनको फ़र्क पड़ा? माशाल्लाह बहुत अच्छा, उनके हल्के दूर हुए डॉट्स से, हल्के दूर हुए। अच्छा वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी हमें फर्स्ट हैंड रिस्पांस भी मिल गया। मैंने बता दिया ना आपको कि वाकई इसका रिस्पांस अच्छा है, इसका है, इसका जो सीरम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा आपको पता है कि सीरम और क्रीम मिक्स करके लगाने से और ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन यह है कि किसी किसी जिल्द अच्छी होती है जो
سیٹ بیک نہیں ہوتا، ادروائز اکثر میں ہو جاتا ہے۔ کنزیومر جب یوز کرتا ہے اس کو رزلٹ ملتا ہے، اچھا رزلٹ ملتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم دن بہ دن ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ جی ناظرین، میں اس وقت جس شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی وجہ شہرت ایک سے زیادہ ہے۔ وہ انہوں نے ڈبنگ کی تو انہوں نے بٹتے پٹی بنائی جو یہاں سے شہرت نکلی اور پوری دنیا میں چلی گئی، اور جب وہ ٹی وی میں آئے تو چاچا بوٹا اور اس کے بعد آج کل جانی کا کریکٹر ایک طوفانی رفتار سے پوری دنیا میں ہٹ ہو رہا ہے۔ اور نان ادر دین سجاد بھائی، السلام علیکم۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا، کیسا لگا آج کا شو؟ سر بہت اچھا لگا، اور سب سے جو میں پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کا شو میں نے بہت کم کیا، ایک دو، لیکن یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ہی شو تھا میرا، جتنی مجھے جتنا پیار ملا، جتنی عزت ملی، اور ویری ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ان کی کریم، یہ ہزاروں آتی ہیں لیکن ایک سکن بہت نازک چیز ہوتی ہے، جو کیونکہ وہ آرٹسٹ ہو، کوئی غریب آدمی ہو، امیر ہو، سکن ہر بندے کی ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پروڈکٹ ہے، میں نے اس کے بارے میں بڑا سنا ہے، یہاں سے نہیں باہر سے بھی، کہ یہ ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور یہ بالکل جو سکن کے ایک معاملات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ بنائی گئی ہے، اور اس چیز کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ بناؤں، آج میں اس ٹیم کا حصہ بناؤں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو آپ کو کس سلسلے میں یہ فرسٹ پوزیشن ملی ہے؟ یہ سیل کی پوزیشن میں ملی ہے، سیل زیادہ کرنے پہ، جن لوگوں نے محنت کی ہے، سیل زیادہ کیا، ان کو ملا یہ پرائز۔ تو آپ کیا کہیں گے اس برانڈ کے بارے میں؟ بہت اچھا برانڈ، جو بازار میں برانڈ چل رہا ہے لوکل برانڈ، اس کی نسبت سے بہت اچھا برانڈ ہے یہ۔ خیر مبارک جی۔ ہاں جی، بہت خوش ہیں جی، اللہ پاک کے شکر گزار ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پونیا برادر فیضہ بیوٹی کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی خوشیوں میں ہمیں شامل کیا۔ جی ناظرین، اس وقت جو میرے ساتھ صاحب موجود ہیں شاپ کیپر ہیں اور ان کی بائک نکلی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمد للہ پونیا برادر کی کریم میں نے بیچی ہے اور اس میں میرا موٹر سائیکل نکلا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دبئی کی ٹکٹ کے ونر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھی، یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، بہت اچھا برانڈ ہے، بہت بہترین اور بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے۔
जिनकी वजह से ये सारा काम चल रहा है, उनकी अच्छाई की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने ये नवाजा सारा कुछ। बाइक निकली है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? हम बिल्कुल खुश हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद जोन में सबसे पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, काफ़ी सारे इनामात निकले हैं। बाइक नहीं निकली, बाइक्स निकली हैं दो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। पूनिया ब्रदर्स ने ये मौके फराम किए हमें दुकानदारों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। फायजा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर्स का जो भी चीज़ है उसका एक रिजल्ट है, उसमें एक क्वालिटी है। मोटर बाइक्स पे मोटर बाइक्स निकल रही हैं, लगता है अंदर इनामात की बरसात हो रही है। एक और साहब हैं, इनकी भी बाइक निकली, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक का ही सोच के आए थे बस। बाइक का ही सोच के आए थे, बाइक ही निकल। अब बाइक निकलेगी। जो दोनों साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बाइक्स निकली हैं, क्या जज्बात हैं आपके? बहुत खुशी के जज्बात हैं, अल्लाह पाक हमारे नसीबों में करें। आमीन। जी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और पूनिया ब्रदर का स्पेशली। मैं 2 साल से अटैच हूँ पूनिया ब्रदर के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूनिया ब्रदर जो मुझे आइडेंटिटी दी है, मुझे 10 सालों बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं मिली। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मोटरसाइकिल निकली हैं आज के दिन में। 2 मोटरसाइकिलें? जी 2 निकली हैं। तो खुश आप ऐसे? आप खुश नहीं, उतने खुश नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, इंशाल्लाह उमरा पैकेज भी लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। गोल्ड कॉइन निकला? जी बिल्कुल। उसकी मालियत कितनी है? 15,000 रुपये। एक्साइटेड हूँ, पहली दफ़ा था मेरा, फर्स्ट टाइम था इधर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। होलसेल के अंदर सेकंड पोजीशन होल्डर के साथ मैं खड़ा हूँ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 4 माह में की है तकरीबन 26 लाख की सेल। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जो फर्स्ट आए हैं उनकी कितनी है? उनकी 30 लाख की। सबसे ज़्यादा फैजा करीम सेल हो रही है और रिजल्ट भी इसका अच्छा है, इसलिए सेल ज़्यादा होती है। और हमारे कारोबार में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्रोडक्ट में दम होने की वजह से ग्राहक खुद ही लेता है, हमें बेचनी नहीं पड़ती। मेरे साथ जो साहब खड़े हैं, इनका उमरा पैकेज भी निकला है और हज भी निकला है और 3 बाइक्स भी निकली हैं, यानी आज के जो टॉप विनर हैं वो यही हैं। अच्छा, और इनाम तो निकलते ही हैं, लेकिन ये जो इनाम है ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताला के घर का बुलावा है, वो तो उसकी तो शान ही निराली है, इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ जी बेशक जी, एक तो मैं यहाँ पे कभी नहीं भूलूँगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और पूनिया ब्रदर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि पूनिया ब्रदर्स ने कुछ अर्सा पहले प्रॉमिसेस ये किए थे कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं उनको वक्तन मतलब बारी बारी उमरा की ज़्यारत, उमरा का जो एक सादत है वो दिलवाई जाएगी। और यहाँ पे आज मुझे लकी ड्रा में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के उमरा में, उस पर मेरा भी आज उमरे का टिकट निकला है। बेसिक बुलावा तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से है और नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है, तो ये मौाक़े तो पूनिया ब्रदर्स ने फ्राहम किए हमें और इनके तफ़ैल हमें जाने का मौका मिला। हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हैं और पूरे पूनिया ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये मौाक़े फ्राहम किए। इनसे हम पहले बात कर चुके हैं, पहले इनकी बाइक निकली थी और अब उमरा पैकेज निकला इनका, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा खुशी है जी, अल्लाह ताला का घर देखना है इंशाल्लाह ताला, इससे ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है। इनकी ज़ात के बहुत से हवाले हैं, जब ये गाना गाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिंगर हैं, जब ये कंपेयरिंग कर रहे होते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान के जो टॉप 3 होस्ट हैं लाइव शोज़ के और रिकॉर्डिंग के भी, उनमें से एक हैं। उसके बाद जब ये वॉइस ओवर करते हैं तो लगता है कि इससे अच्छी आवाज़ कोई नहीं। अब मैं इनका क्या तारुफ करवाऊँ, ये ख़ुद ही अपना नाम बताएंगे और ये ख़ुद ही अपना तारुफ हैं। डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत है, आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारा और आप माशाल्लाह ख़ुद एक अच्छे डायरेक्टर हैं और आपकी खूबसूरत आवाज़ का मैं ख़ुद फ़ैन हूँ। 20 साल हो गए हैं रेडियो पर और स्टेज के इस वक्त सबसे सीनियर होस्ट होने के नाते मुझ पर बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, तो कोशिश ये होती है कि जिस ब्रांड के साथ मैं काम करूँ उसके साथ मुखलिस होकर मैं अपना काम सर अंजाम दूँ। एक ताल्लुक़ रखना होता है कि वो बोरियत का शिकार ना हो, तो मैं अदना सी कोशिश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि लोग पसंद करते हैं और मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं और जितने भी पूनिया ब्रदर पाकिस्तान के डायरेक्टर साहबान हैं, चेयरमैन साहबान हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी जगह बड़ी एफ़र्ट्स हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी से सरफराज करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं पूनिया ब्रदर्स पाकिस्तान के लिए, फायजा ब्यूटी क्रीम के लिए, को इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन करे और इसी तरह हम आपके साथ अटैच रहे हैं। बेस्ट ऑफ अरे मैं आपके साथ अटैच रहा हूँ। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो मेरा अल्लाह है, ये उसी का ही ये इनाम है कि हम इस काबिल हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो इंसानियत का है और मैं अमूमन बात कहता हूँ कि अच्छा आर्टिस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनूँ। आर्टिस्ट तो पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे में टैलेंट है या नहीं है,
آپ نہ صرف خود بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ نے بہت سے آرٹسٹ بنائے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ میاں سرور صاحب کھڑے ہیں جو کہ سعودیہ میں ڈسٹریبیوٹر ہیں فائزہ بیوٹی کریم کے، پونیا بردرز کی جو فائزہ کاسمیٹکس ہے اس کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر سب ٹھیک ٹھاک۔ بہت اچھا فنکشن تھا آپ لوگوں کا، بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سعودیہ میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے؟ ویسے بھی نام تو ہے اس کا، لیکن ابھی تک جو ہے پورے پروڈکٹس جو ہیں وہ نہیں پہنچی، تو جیسے ہی انشاءاللہ پہنچیں گی اس کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ وہاں پہ کامیابیاں ہی کامیابیاں انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ دبئی سے مال منگواتے تھے ہم، اب جو ہے ڈائریکٹلی، کیونکہ وہاں پہ کچھ برانڈ جو ہیں انہیں کے نام سے جو ہیں آ رہے تھے، تو اب جو ہے جو اوریجنل مال جائے گا، جو اصل جائے گا، تو پھر بات کچھ اور ہوگی۔ بیسٹ آف لک، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔